हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो में। क्या आपको मालूम है हमारे देश का पैसा कैसे और कहां बनता है? नहीं मालूम होगा। आजकल सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा ऐसी चीज़ है जिसके बिना जीवन जीना मुश्किल है। आज हर काम में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या आपको पता है पैसे कैसे बनाते हैं, पैसे कहाँ और कैसे छपते हैं? बहुत कम लोगों को पता होगा हमारे देश का पैसा कहाँ और कैसे बनता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है, हमारे देश में पैसे छपने वाली मशीन कहाँ है, पैसे कैसे छपते हैं, खराब नोटों का क्या होता है, पैसे हम तक कैसे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप सभी का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साइड में बेल आइकन दिख रहा है, उस पर भी क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है? पैसे का पेपर ज़्यादातर दुनिया के 4 देशों में होता है। इन देशों में पेपर बनाने की आधुनिक मशीनें हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से देश हैं। अमेरिका का पोर्टल, फ्रांस का आरजे विगेस, स्वीडन लुसेटल पेपर सेविक। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हमारे देश में पैसा छापने की मशीनें कहाँ हैं। एमपी के देवास मैसूर सालबोनी नासिक में है। देवास में नोटों की स्याही और 10 50 500 के नोट छापे जाते हैं। मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। आपको बता दें कि देवास में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टेक्सटाइल मिल हैं। नोट की छपाई होशंगाबाद और विदेशों से इम्पोर्ट किया जाता है। इंडियन नोट में 3 जगह का पेपर यूज़ होता है। महाराष्ट्र की क्रांसी नोट प्रेस, ज़्यादातर पेपर एमपी के होशंगाबाद मिल से आता है। कुछ पेपर को विदेश से इंपोर्ट किया जाता है। आपको बता दें, नोट बनाने में खास कॉटन से बने पेपर पर खास स्याही का इस्तेमाल होता है। ये स्याही देवास के बैंक नोट प्रेस और सिक्किम में स्विचफर डोनेट में बनती है। पैसे कैसे छपते हैं? विदेश और होशंगाबाद से आए हुए पेपर को सिम्टॉम मशीन में डाला जाता है। इसके बाद इसमें दूसरी मशीन इंटाबू मशीन में डाला जाता है। मशीन से निकले नोटों की शीट पर अच्छे और ख़राब नोटों को अलग अलग कर लिया जाता है। इसके बाद सही नोटों पर नंबर डाला जाता है। इसके बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। खराब नोटों का क्या होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से खराब नोट हो जाते हैं, तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर ये खराब नोटों का गवर्नमेंट क्या करती है। तो चलिए आपको बता देते हैं खराब नोटों का क्या करती है गवर्नमेंट। जब नोट खराब हो जाते हैं तो उन्हें बैंक में जमा कर दिया जाता है। बैंक उन नोटों को मुख्य कार्यालय में भेज देता है और उनकी जगह नए नोटों को छाप दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भारत इतना बड़ा है, फिर भी भारत के छोटे छोटे गांव में पैसे पहुंच जाते हैं? पैसे कैसे पहुंचते होंगे, चलिए हम अब आपको बता देते हैं पैसे हम तक कैसे पहुंचते हैं। इंडिया रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिस हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, बेलापुर, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, तिरुवनंतपुर, भुवनेश्वर, लखनऊ। हम आपको बता दें, सबसे पहले नोट इन ऑफिस में पहुंचते हैं, इसके बाद अलग अलग बैंक में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये सब प्रोसेस होता है एक नोट को बनाकर पूरे गांव-गांव में भेजने के लिए। शायद अब आपको पता चल गया होगा भारत का पैसा कैसे और कहां बनता है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दें जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।